तो क्वेश्चन देखते हैं, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगर इसी रिएक्शन को क्या मैं थर्मली कराऊं और इसी रिएक्शन को क्या कराऊं मैं फोटोकेमिकली कराऊं। बात समझ में आ गई क्या है भाई? ये क्या है जेड है और ये क्या है लेकिन हमारी ई है, तो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे इधर क्या है डिफरेंट है। पहले तो क्वेश्चन में प्रोसीड करने के देखो तरीके होते हैं, पहले क्या, पहले तो क्वेश्चन में देखो कि एल्कीन दोनों सेम नेचर की है या नहीं है, फिर उसके बाद देखा करो कि कंडीशन कौन सी दे रखी है, थर्मल है या फोटोकेमिकल है। अब फॉरेन सिस्टम में अगर थर्मल कंडीशन दे रखी होगी तो वो देखो कॉर्नर में क्या लिखा है, थर्मल कंडीशन में फॉरेन में कौन सा रोटेशन हो रहा है, कौन रोटेशन, तो इस पे कौन सा कौन रोटेशन होगा कौन, और लाइट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन होगा हमारा डिस रोटेशन होगा। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करोगे भाई, क्या है सिस्टम, क्या है हमारा फोरेन सिस्टम है, तो क्या बनेगा साइक्लोब्यूटेन ही बनेगा, तो साइक्लोब्यूटेन देखो बना दे, ये बन गई हमारी। बात समझ में? अब क्या आता है दोनों में साइक्लोब्यूटेन बन गई, थोड़ा डब्बा बड़ा बन गया भाई, क्या बन गया साइक्लोब्यूटेन। बात समझ में? अब होगा क्या, अब कौन रोटेशन दिखा रखा है, तो कौन रोटेशन में क्या बोल रखा है मैंने कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दो सब्स्टिट्यूएंट की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करोगे भाई, यहां देखो दोनों के दोनों जेड है और ई है, दोनों दोनों क्या है डिफरेंट है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करोगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, कि दोनों के दोनों या तो क्या चले जाएंगे अबव द प्लेन चले जाएंगे या दोनों के दोनों कहां चले जाएंगे बिलो द प्लेन चले जाएंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी भाई दोनों आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दोनों के दोनों क्या आ गए सेम, और उससे पहले क्या थे दोनों के दोनों डिफरेंट थे। अब देखो डिसरोटेशन में, डिसरोटेशन में क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी तो दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट है, तो एक हमारा क्या चला जाएगा अबव द प्लेन और एक हमारा क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन। बात समझ में आ गई, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो फोर एन प्लस टू और सिस्टम देखो, अब क्या क्या दोनों को मैं जेड जेड एल्किन ले ली, कौन सी ये भी जेड एल्किन ले ली और ये भी हमने जेड एल्किन ले ली, अब इसको किसकी रिएक्शन पे करा रहा हूं मैं फोटोकेमिकली भाई, अगर इसको हीट की प्रेजेंस पे कराऊं और इसको किसकी लाइट की प्रेजेंस पे कराऊं, तो हीट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा कौन रोटेशन दिखाएगा और लाइट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा हमारा डिस रोटेशन दिखाएगा। बात समझ में आई? अब क्या डायरेक्ट बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कौन रोटेशन डिस रोटेशन सब याद हो जाने, तो कौन रोटेशन दिखाओगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, दोनों की दोनों क्या है जेड टाइप एल्कीन है, तो दोनों की दोनों क्या है सेम नेचर के, तो आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगी दोनों डिफरेंट हो जाएगी, तो ऊपर एक सी एस थ्री ग्रुप और नीचे बिलो द प्लेन सी एस थ्री ग्रुप। अब इसमें क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा हो गया, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो दोनों की स्टीरियो क्या हो गई सेम हो गई, और करके लिख देते हैं दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे बिलो द प्लेन चले जाएंगे CS3। तो ये सारी क्या थी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन थी। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं क्वेश्चन, तो ये सारी क्या थी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन थी। अब देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, देखो रिंग ओपनिंग कैसे आती है इस टाइप में, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे करोगे भाई, देखो बहुत सारी एल्किन दे रखे तुम्हें, एक रिएक्शन को क्या बोल रहा है फोटोकेमिकली हीट और फोटोकेमिकली को शुरू कराने, क्वेश्चन लिखो हीट और फोटोकेमिकली करा, दूसरा क्या दे दिया तुमको भी सपोज करो आप इसमें स्त्री दे दिया बिलो द प्लेन, तुमने क्या दे दिया कोई नहीं C2H5 ग्रुप दे दिया भाई, जरूरी थोड़ी है तो हर बार हमें सिमेट्रिक मिले, तो ये एग्जांपल अनसिमेट्रिक का भी कर लेते हैं,
बात समझ में। अब देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे होगी, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऐसी होगी जैसे तुमने रिंग क्लोजिंग रिएक्शन दी थी। तो हीट की प्रेजेंस पे क्या होगा, ये सिस्टम देखो, सिस्टम क्या है, फोरेन सिस्टम है सारे के सारे। ये क्या है, फोरेन सिस्टम है, और ये भी हमारा क्या है, फोरेन सिस्टम है। बात समझ में। तो फोरेन सिस्टम में हीट की प्रेजेंस पे कैसे होगा, कौन रोटेशन होगा, और एलाइट की प्रेजेंस पे कैसे होगा, डिस रोटेशन होगा। कौन रोटेशन होगा और डिस रोटेशन, इस पे भी कौन रोटेशन और डिस रोटेशन। अब देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन करना है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जैसे हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड से, और ये बॉन्ड होके आएगा इस साइड से। तो हमारी सिंपल क्या बन जाएगी, एक डाइईन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक डाइईन बन जाएगी। अब रह गया इफेक्ट किसका, कि ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट कैसे डालें, कि कैसे करें कि दोनों के दोनों अपोजिट होंगे, या दोनों की दोनों ई बनेगी, दोनों की दोनों जेड बनेगी, या ई बनेगी या एक जेड बनेगी। तो देखो जब हीट की प्रेजेंस पे करा रहे हैं तो हमें क्या करनी है, कौन, तो कौन रोटेशन हो रहा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन तब आएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर इनकी चेंज कर दे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करने के बाद क्या होगी भाई, एक क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन और एक क्या चला जाएगा अबव द प्लेन। भाई दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं तो इनका इफेक्ट क्या होना चाहिए, इनका नेचर डिफरेंट होना चाहिए। अब ये देखो ये क्या बन गया E और ये क्या बन गई हमारी Z, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होके आ गए भाई प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में फिर से हमारी क्या होगी, जब हम रिंग ओपनिंग करेंगे तो डाइईन बनेगी, तो डिसरोटेशन होने, तो डिसरोटेशन में क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती। तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे भाई, दोनों के दोनों या तो ई मिलेगी या दोनों की दोनों तुम्हें जेड मिलेगी, कि क्योंकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी। बात समझ में, पहला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, कौन रोटेशन, तो इसमें भी क्या बनेगी हमारी, ब्यूटाडाइन बनेगी। क्या बनेगी, ब्यूट डाइन बनेगी। अब देखो दोनों क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, कौन रोटेशन हो रहा है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, तो दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे, सेम नेचर के चले जाएंगे, दोनों के दोनों सेम नेचर के। भाई या तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, ई बन जाएंगे, या फिर दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, जेड बन जाएंगे। क्योंकि हमें मतलब क्या है, कौन रोटेशन से, भाई रोटेशन वही होना है, रिंग ओपनिंग के लिए नहीं और रिंग क्लोजिंग के लिए भी रोटेशन ही है भाई, फोरेन सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होने से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या कौन रोटेशन होने से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बात होती है इसमें। तो ये दोनों दोनों ही जेड बनेगी। अब डिस रोटेशन है, तो डिस रोटेशन करने से क्या होगा, फिर से इसमें भी क्या बनेगी, डाई इन बनेगी। अब डाई में डिस रोटेशन में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो एक एल्कीन क्या हो जाएगी हमारी, ई बन जाएगी और एक हमारी क्या चली जाएगी, जेड। तो ये क्या हो गई, ई और ये हो गई हमारी जेड। तो दोनों के दोनों क्या नेचर क्या रहा, दोनों का सेम रहा, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई, एक अबव द प्लेन थी और एक बिलो द प्लेन, इसमें क्या हो गई, एक ई बन गई और एक जेड बन गई। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, फोरेन सिस्टम है, तो कौन रोटेशन पे क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, तो यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेंगे, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखो लास्ट वाले की, तो जब हम इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेंगे तो दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे, सेम चले जाएंगे, कि या तो दोनों के दोनों क्या चली जाएगी, अपोजिट चली जाएगी C2H5, या दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे भाई, ई बन सकता है या फिर दोनों के दोनों जेड बन जाएंगे। किस केस में, कौन रोटेशन के केस में, कौन रोटेशन में भाई, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कैसे होगी, ये क्या, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, कौन रोटेशन के केस में, अगर या तो दोनों के दोनों ई बना दे या दोनों के दोनों जेड बना दे। अब लाइट की प्रेजेंस पे क्या हो रहा है हमारा, डिस रोटेशन हो रहा है, तो डिस रोटेशन में क्या, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी। तो ये जैसे ग्रुप डिफरेंट थे रिएक्टेंट में, ऐसे ही ग्रुप डिफरेंट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। तो देखो जो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भाई, ये ए यहाँ दिख नहीं रहा होगा नीचे, यहाँ पे देखो जो ए का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो क्या आएगा, कैसे आएगा, ये क्या हो गया CH3 और ये क्या हो गया हमारी C2H5, या फिर हमारा कैसे बन सकता है, दोनों को दोनों क्या करना है डिफरेंट, या तो दोनों को CH3 ऐसे कर दे और इसको क्या कर दो C2H5, क्योंकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, यहाँ पे क्या है दोनों दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन किसका था, फोर एन सिस्टम का था, किसका था हमारा,
4n सिस्टम का था. अब कुछ एग्जांपल किसके देख लेते हैं, 4n प्लस 2 सिस्टम के भी देख लेते हैं. अब देखो कुछ एग्जांपल किसके, 4n प्लस 2 सिस्टम के भी. तो 4n प्लस 2 सिस्टम के एग्जांपल देखते हैं. तो 4n प्लस 2 सिस्टम में एग्जांपल क्या होगा, ये तो एल्कीन ऐसे बन जाएगी. कैसी हो गई ये E, और ये भी क्या हो गई हमारी E. क्या तो रिएक्शन किसकी, दोनों की तरह, दोनों कंडीशन एक बार साथ बता रहा हूं भाई, ठीक है भाई. या तो हीट की प्रेजेंस में या फिर फोटोकेमिकल, दोनों E के आ गए. अब देखो दोनों भाई, या तो एक E आ गई और एक क्या आ गई, ये क्या हो गई E और ये क्या हो गई जेड होगी. दो कंडीशन ही आती है, या तीसरी जेड कर लो तो सेम इफेक्ट हो जाएगा ई जितना ही. बात समझ में आई. तो इस रिएक्शन को किसकी कंडीशन पे भी करानी है हमें, तो ये रिएक्शन हमें हीट की प्रेजेंस पे भी करानी है और ये रिएक्शन हमें फोटोकेमिकल कंडीशन में भी करानी है. अब देखो पहली बात क्या है, पहली बात तो सिस्टम देखो, सिस्टम कौन सा है, सिस्टम हमारे दोनों क्या चल रहे हैं, 4n प्लस 2 सिस्टम चल रहे हैं. अब हीट की प्रेजेंस में 4n2 सिस्टम में कैसा रोटेशन होता है, डिसरोटेशन होता है. और लाइट की प्रेजेंस में कैसा रोटेशन होता है, कौन रोटेशन होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, 4n सिस्टम के. तो लाइट की प्रेजेंस में कैसा रोटेशन हो रहा होगा यहां पे, डिसरोटेशन. और लाइट की प्रेजेंस में कैसा रोटेशन हो रहा होगा, कौन रोटेशन. वही हीट की प्रेजेंस में कैसा रोटेशन होगा हमारा, डिसरोटेशन. और लाइट की प्रेजेंस में कैसा होगा, कौन रोटेशन. भाई कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनमें हीटिंग इफेक्ट प्लस रोटेशन गिवन होता है, लेकिन अगर उनमें गिवन नहीं होता तो ये तुम्हें खुद लगाना है अपना दिमाग कि किस रोटेशन से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के लिए जो इतनी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखो जब इसका डिसरोटेशन करेंगे तो डिसरोटेशन होने के बाद क्या होगा भाई, डिसरोटेशन होने के बाद ये तो बात है कि एक साइक्लोहेक्सीन बनेगी. तो देखो भाई ये देखो कैसे बनेगा भाई, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा. बात समझ में आ गई. अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट जो इसका बनेगा क्या बनेगी, एक सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी और जो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे. अब सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो देखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो कैसे होगी. जब डिसरोटेशन आया तो डिसरोटेशन में क्या है, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी. तो ये देखो दोनों की दोनों क्या है, ई नेचर की है, दोनों की दोनों ई नेचर की है. तो दोनों की दोनों ई नेचर की है, तो दोनों का दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है. तो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, दोनों का सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा. कैसा मिल जाएगा, हमें सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, सेम के. अब लाइट की प्रेजेंस पे देखते हैं, तो लाइट की प्रेजेंस पे फिर से क्या बन जाएगा, अब स्टीरियो केमिस्ट्री का ही खेल बसता है बस आगे. अब स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए सी आता है तो चेंज द स्टीरियो, और डी आता है तो डोंट चेंज द स्टीरियो. अब कौन रोटेशन पे क्या स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है, तो ये दोनों क्या है, ई है. तो एक को क्या कर दोगे, बिलो द प्लेन, और एक को क्या कर दोगे, अबव द प्लेन. बात समझ में आ गई. तो हमारा इस केस में क्या बन जाता है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाता है. बात समझ में आ गई. अब देखो अगर एल्कीन के जो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए, भाई दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नेचर के हो, या दोनों के दोनों डिफरेंट नेचर के हो. अब देखो हीट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिसरोटेशन हो रहा है. तो इस केस में भी हमारा क्या बनेगा, किन बनेगी. अब देखो इफेक्ट कैसे डालना है, ई और जेड दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है. तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, तो दोनों के दोनों क्या रखनी है हमें, डिफरेंट ही रखनी है. तो ये क्या आ गया, CH3 ग्रुप, और ये भी क्या आ गया हमारा, CH3 ग्रुप. तो हमें इसमें प्रोडक्ट कौन सा मिला, ट्रांस प्रोडक्ट मिला. कैसा प्रोडक्ट मिला हमें, ट्रांस प्रोडक्ट मिला. अब देखो इस कंडीशन में देखो, ठीक है. अब देखो कौन रोटेशन हो रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है. तो दोनों के दोनों यहाँ क्या है, देखो E और Z दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है. तो आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, या तो दोनों के दोनों अबव द प्लेन हो जाएंगे, या फिर दोनों के दोनों भाई सीस हो जाएंगे, या दोनों के दोनों फिर बिलो द प्लेन हो जाएंगे. बात समझ में आ गई. तो ये सारा किसका था, 4n प्लस 2 सिस्टम का था. 4n 2 सिस्टम में क्या, रिंग क्लोजिंग,
फोर एंड टू सिस्टम में क्या रिंग क्लोजिंग के लिए था। अब रिंग ओपनिंग देखो कि रिंग ओपनिंग कैसे करनी है इनकी, अगर कभी क्वेश्चन अपोजिट पूछ लेता है तो उसमें कैसे करना है। तो रिंग देखो कैसे करनी है, अगर कभी ऐसे आ जाए सिलेक्शन को कराना है क्या भाई, दोनों कंडीशन से हीट भी और लाइट के बल्जन से क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है भाई, बात समझ में आए। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या होगा भाई, या तो दोनों रिजोल्व क्या हो सकते हैं सी एस थ्री या फिर सी एस थ्री भाई, या तो सिस मिल सकता है सिस एक्सिटाइन या फिर ट्रांस मिल सकता है। इसको भी कैसे कराना है, हीट की प्रेजेंस में और दोनों को लाइट की प्रेजेंस में, तो हीट की प्रेजेंस में और इसको लाइट की प्रेजेंस में। तो हीट की प्रेजेंस में क्या होता है हमारा, डिसरोटेशन होता है। क्या सर रोटेशन होता है हमारा, डिसरोटेशन। और लाइट की प्रेजेंस में कैसा रोटेशन होता है, कौन रोटेशन। हीट की प्रेजेंस में कैसा होगा हमारा, डिसरोटेशन। और लाइट की प्रेजेंस में कैसा होगा हमारा, कौन रोटेशन। ठीक है, अब रिंग ओपनिंग कर दी, ये तो तुम्हें क्लियर है। ये सिस्टम कैसा है, 4n प्लस 2 सिस्टम है। कैसा है, 4n 2 प्लस सिस्टम। तो जैसे रिंग ओपनिंग करोगे तो क्या मिलेगा, हेक्सा ट्राइन मिलेगा भाई। ये रोटेशन ऐसे होगा, ये सर और ये इधर मूव करेगा, तो हमारी क्या मिलेगा देखो, हेक्सा ट्राइन 1 2 3, ये क्या बन गई हमारी हेक्सा ट्राइन। अब रह गया इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट का कि कौन सी एल्कीन बनेगी, ई बनेगी या दोनों की दोनों जेड बनेगी। अब देखो कैसे करना है, इधर क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की क्या है, सेम है। तो डिसरोटेशन पे क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होनी, तो दोनों की दोनों को क्या कर दो, ई कर दो या फिर दोनों की दोनों को जेड कर दो। तो ये क्या हुई, दोनों की दोनों ई हुई, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई। वही लाइट की प्रेजेंस पे क्या है, कौन रोटेशन है, तो कौन रोटेशन भाई, इसमें भी यही बनना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है, कौन है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होनी है। तो इधर क्या है, दोनों के दोनों सेम इफेक्ट है, तो दोनों के दोनों ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट करना पड़ेगा। अगर एक ई होगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, जेड। तो ये क्या हो गई, जेड, और ये क्या हो गई हमारी, ई एल्कीन हो गई। बात समझ में आई, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है। यहाँ पे क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इधर दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, डिफरेंट। तो इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो गई। अब देखो इसमें हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, तो हीट की प्रेजेंस में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी। तो देखो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है भाई, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब एक ई रही होगी और एक जेड रही होगी, तो ये क्या हो गई, जेड, और ये क्या हो गई हमारी, ई हो गई होगी। तो अब हीट की प्रेजेंस की, लाइट की प्रेजेंस पे क्या होगा हमारा, कौन रोटेशन होगा। तो जब कौन रोटेशन होगा, तो कॉन्रोटेशन में देखें, कॉन्रोटेशन में क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करेगी। दोनों दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन कौन रोटेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों या तो ई बना देना या दोनों के दोनों जेड बना देना। ये हमारे जो क्वेश्चन थे किस पे थे, 4n 2 प्लस सिस्टम पे। तो और क्वेश्चन देखते हैं सारे मिक्सअप होके कैसे आते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिजेशन पे, बसरते आपको ये सारी चीजें याद हो, ये सारी चीजें कि किसमें क्या करना है बस।